दंतेवाड़ा में पुलिस जवानों ने नक्सलियों के लगाए रिमोट बम को निष्क्रिय कर दिया है। बताया जा रहा है कि पहली बार नक्सलियों ने इस तरह के बम का प्रयोग किया था और नक्सली इसके जरिए बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। दंतेवाड़ा के वानपुर फल्ली मार्ग की पहाड़ी से जवानों ने 4 रिमोट बम बरामद किए हैं। बस्तर के नक्सल इतिहास में यह पहली घटना मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि नारायणपुर को जोड़ने के लिए निर्माणाधीन वानपुर फल्ली मार्ग की सुरक्षा में जुटे जवानों ने जब ग्राम बोला और मालेवाही के बीच पहाड़ी पर नजर आए संदिग्धों को बुलाया तो वे भाग खड़े हुए। मौके का मुआयना करने पर अलग अलग स्थानों से कुकर में रखे विस्फोटक मिले। एक कुकर में करीब 4 किलो विस्फोटक भरा था। 3 पेट्रोल बम भी बरामद हुए हैं। मौके से टीवी सेटअप बॉक्स की तरह एक सर्किट बॉक्स, 18 और 12 वोल्ट की 2 बैटरियां बरामद हुई हैं। नक्सलियों की अत्याधुनिक तकनीक उनके मंसूबों को जाहिर कर रही है। इसके जरिए नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के प्लान में थे। पल्ली बारसू रोड में थाना बारसू के अंतर्गत मालेवाही से लेके बोधी तक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड को प्रोटेक्शन देने के लिए दंतेवाड़ा एसटीएफ, दंतेवाड़ा डीआरटी और छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस के 300 जवान आज रोड प्रोटेक्शन के लिए निकले हुए थे। करीब 11:10 पर कुछ 3 से 4 सामान्य वेशभूषा में सिविल ड्रेस में कुछ सस्पिशियस लोग भागते हुए दिखे। उसके बाद उस इलाके को चारों तरफ से घेर के सर्चिंग की गई। इसमें 4 रिमोट कंट्रोल्ड आईडी बरामद हुए। सबका वजन 4 से 5 किलो के बीच में है। उसमें स्विच मिला जिसमें एक बटन, एक तार जो है पावर 12 वोल्ट पावर बैटरी की तरफ जा रहा था, एक तार आईडी की तरफ और एक तार एंटीना के ऊपर जो कि पेड़ के ऊपर एंटीना लगाया गया था। छत्तीसगढ़ बस्तर में पहली बार इस बड़ी मात्रा में रिमोट कंट्रोल्ड आईडी का इस्तेमाल किया गया है। एंटीना पहली बार मिले हैं जो कि पेड़ों पर लगाए गए थे। आईडी के बगल में बड़ी मात्रा में पेट्रोल बम मिले हैं जो कि पानी बड़ी बोतलों में पेट्रोल भर के बम लगा के रखे गए थे। आईडी के साथ पेट्रोल बम का इस्तेमाल भी संभवतः पहली बार किया गया है। जिस तरह से डोमिनेटिंग हाइट के ऊपर इस तरह से आईडी सीरियल में आईडी लगाए गए थे, निश्चित रूप से फोर्स को काफ़ी नुकसान हो सकता था, लेकिन एसटीएफ, डीआरजी और सीएफ की सचेत होने के कारण बड़ी घटना को हम टालने में सफल रहे। जो सिविल लोग हैं उनकी भी पहचान हो गई है, उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से ये रोड ईस्ट बस्तर डिवीजन के मार्ग अबुज मार्ग के इलाके के बीचों बीच जाता है, हमें उम्मीद है कि फोर्स की मदद से जो 19 पुलिया थे उसमें 13 पुलिया कंप्लीट कर लिया गया है, बाकी 6 पुलिया भी अगले 20 दिन में बारिश के पहले कंप्लीट कर लिए जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।